हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूजिक क्लास। आज हम सीखने जा रहे हैं वी शैल ओवरकम कन्वर्सेशन। होप ये गाना आप सभी ने सुन रखा होगा, बहुत ही प्यारा गाना है। और जिन्होंने नहीं सुना है मैं उनको अभी सुना दूंगा। और ये गाना फर्स्ट सबसे पहले 1901 में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, जिसका वर्जन था आई शैल ओवरकम। फिर इसका वर्जन बना वी शैल ओवरकम 1945 में, पहली बार वर्कर्स ने गाया था, एक तंबाकू कंपनी जिसने स्ट्राइक की थी और उनके वर्कर्स ने ये गाना गाया था। होप आप सभी को अच्छा लगेगा, मैं ये गाना आपको सुनाता हूँ। अब हम बजाना सीखेंगे। तो देखो, फर्स्ट लाइन जो है वो इस प्रकार से है, प प ध ध प, प प ध ध प। तो ये कैसे बजेगा? ओके, प प ध ध प, तो साउंड आया वी शैल ओवरकम। फिर सेकंड टाइम भी ऐसे ही बजेगा, प प ध ध प, फिर प प ध नी सा रे नी ध प। जो ये सा है और ये जो रे है, ये देखिए इनके ऊपर डॉट है, तो ये आप ये वाले बजाओगे, मतलब कि ये ऑक्टेव खत्म होते ही अपर ऑक्टेव वाला। ओके, ये मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, प प ध नी सा रे नी ध प। तो कौन सा साउंड आया? वी शैल ओवरकम समडे, फिर डीप इन माय हार्ट। तो क्या आएगा? सानी धप। तो क्या आएगा साउंड? डीप इन माय हार्ट। फिर है आई डू बिलीव धप मग, तो ऐसा आएगा आई डू बिलीव। फिर वी शैल ओवरकम समडे, प प सा मग रे सा। ये जो सा रहे हैं ये नॉर्मल ऑक्टेव के। ओके, ये तो ये कैसे हो जाएगा? प प सा मग रे सा, बहुत इजी है। चलो एक बार दोबारा इसको बजा के देखते हैं। प प ध द प, प प ध द प, प प ध नी सा रे नी ध प, सा नी ध प ध प म ग, प प सा म ग रे सा। तो साउंड कैसा आएगा? चलो बीट के साथ बजा के देखते हैं। आगे देखो कैसे होगा, वी विल वॉक हैंड इन हैंड। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे बजेगा ये, ठीक है? वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। तो ये देखो, जब हम होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको लर्न कीजिए और अपना खुद का वीडियो बनाकर हमें सेंड कीजिए। थैंक यू।